बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 9 को पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर 9 है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम लोग इसे पहले भी ऐड और सब्ट्रैक्ट को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज फिर से हम लोग इसी को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा। यहाँ पे जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए ऐड टू डिजिट नंबर, तो दो डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है? ये टू डिजिट नंबर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वंस और टेंस। दो डिजिट नंबर का मतलब होता है वंस और टेंस, इकाई और दहाई। तो जब भी हम लोग को मिलेगा दो डिजिट नंबर, जैसे कि मान लिया जाए कि आपको बोला जाए 20 प्लस 25, इसको हम लोग को जोड़ना है। इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? वंस को वंस के साथ और टेंस को टेंस के साथ। तो इसका हमारा क्या होगा? टू टेंस एंड जीरो वंस, जीरो वंस। ये हमारा किसका निकला? 20 का निकला। उसके बाद प्लस, क्योंकि यहां पे साइन किसका है? प्लस का है। अब हमारा क्या है? 25 है। तो टू टेंस एंड 5 वंस, इसको हम लोग क्या किया? इसको हम लोग एक्सपैंड कर दिए। या फिर अगर आपको डायरेक्ट इसी तरह से एक्सपैंड करके दिया जाए और बोला जाए इसको ऐड करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले टेंस को टेंस के साथ जोड़ेंगे। हमारा क्या है? टू टेंस प्लस टू टेंस, उसके बाद वंस को वंस के साथ। तो ये हमारा क्या है? जीरो वंस प्लस 5 वंस। तो हमारा टेंस कितना निकल के आएगा? 2 प्लस 2 4, 4 टेंस। और वंस कितना हमारा निकल के आएगा? 5 वंस, 5 वंस। हमारा आंसर क्या निकलेगा? 45। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि टेंस का मतलब क्या होता है? 10। इसके यहाँ इसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के साथ, क्योंकि इसके आगे हमारा 4 है। ये हमारे क्या हो जाएगा? 40। ये प्लस 5 वंस हमारा क्या होता है? 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45। ये हमारा आंसर निकलेगा। एक तो हम लोग इस तरीके से तोड़ सकते हैं, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं। वो कैसे होगा? वंस को वंस के साथ जोड़ेंगे, 0 प्लस 5 हमारा क्या निकल के आएगा? 5। क्योंकि हम लोग को पता है कि जीरो में किसी भी संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो वह संख्या हमारा वैसा ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं आता है। उसके बाद अगर हम लोग वंस को टेंस को टेंस के साथ जोड़े, टेंस हमारा क्या है? 2 है प्लस 2 है। ये हमारा क्या निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। तो ये हमारा इसका आंसर डायरेक्ट कैसे निकलेगा? 45। या फिर हम लोग एक्सपैंड के तौर पे अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? इस तरीके से एक्सपैंड के एक्सपैंड करके हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका ये अगर इसको कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग बनाएंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 9A को देखते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारा कितना है? 9A है, ठीक है। 9A में हम लोग को टेंस दिया हुआ है और वंस भी हमारा दिया हुआ है। तो टेंस हमारा 5 1 6, फिर टेंस 2 और वंस हमारा 3। तो यहाँ पे तो हमारे लिए काम हमारा काफी आसान है, क्योंकि टेंस और वंस हमारा दिया हुआ है। 6 प्लस 3 हमारा क्या निकल के आएगा? 9। ये हमारा वंस को हम लोग वंस के साथ जोड़े और टेंस को जब जोड़ेंगे 5 प्लस 2, ये हमारा क्या निकल के आएगा? 7। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 79। तो इसी प्रकार से एक्सरसाइज 9A का सारा क्वेश्चन एक ही सिमिलर वे से हम लोग इसको बनाएंगे। लेकिन हम लोग को याद रखना है कि कोई भी संख्या है अगर इसको उसको हम लोग जीरो के साथ जोड़ेंगे तो वह संख्या हमारा वैसा ही रहेगा। अगर उसको हम लोग जीरो के साथ घटाएंगे फिर भी हमारा वह संख्या वैसा ही रहेगा, क्योंकि जीरो जो होता है उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, उसका मतलब नथिंग होता है। तो अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ 3 1 डिजिट नंबर्स, मतलब कि हम लोग को ऐड करना है 3 डिजिट नंबर को एक डिजिट नंबर्स के साथ। तो इसको बनाने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। वो स्टेप्स हमारा क्या है? सबसे पहले कह रहा है ऐड द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर टू गेट देयर सम, मतलब कि सबसे पहले वो उन 3 डिजिट नंबर में सबसे पहले जो 2 डिजिट नंबर है उसको हम लोग को क्या करना है? ऐड करना है। तो उसे ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम कहते हैं, ठीक है। वो हमारा फर्स्ट स्टेप है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमारा इस टाइप का दिया हुआ एडिशन करने के लिए,
तो सबसे पहले हम लोग इस दो नंबर को ऐड करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग सम जो आएगा उसको हम लोग कहां पे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। उसके बाद एड द सम एंड थर्ड नंबर, तो इसका जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के साथ हम लोग इस वन को ऐड करेंगे और वो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, ये हमारा कहानी कहाँ पे हो रहा है स्टार्ट, ये कहानी हमारा वंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है ना, तो ये हमारा वंस है। सबसे पहले देखिए कि 6 + 3 + 1 दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्टली भी इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन जब 3 1 डिजिट नंबर को हम लोग को जोड़ना होगा तो हम लोग को ये फॉर्म, इस फॉर्मेट को हम लोग को फॉलो करना होता है। तो 6 + 3, 6 में 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, यहाँ पे हम लोग 9 लिखते हैं, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आया, जो सम आया, वो हम लोग कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे। अब इस सम के साथ इस सिंगल डिजिट को हम लोग को ऐड करना है, तो 9 + 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, हम लोग यहाँ पे 10 लिख देंगे। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या था, 6 + 3 9, 9 + 1 10, तो हमारा यहाँ भी रिजल्ट 10 आता। लेकिन ये इसको बनाने का तरीका हमारा अलग है, तो हम लोग हर क्वेश्चन को सेम तरीके से नहीं बना सकते हैं। हम लोग को देखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग को बनाना है, ठीक है। अब उसी में हम लोग देखते हैं सेकेंड पैटर्न, 4 + 3 + 9, ठीक है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि 4 + 3 को एक बॉक्स में रखा हुआ है और 9 को अलग रखा हुआ है, तो हम लोग को जोड़ना कैसे है। सबसे पहले 4 + 3 करेंगे, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। तो हम लोग सेकेंड वाले बॉक्स, इसके नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है उसको यहाँ पे हम लोग 7 लिखे, तो ये 7 हम लोग को कहां से मिला, इन दोनों को जोड़ने से हम लोग को 7 मिला, तो 7 यहाँ पे लिखे। अब 7 + 9 तो हमारा कितना आएगा, 16 आएगा, तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 16 हो जाएगा, ये हमारा आंसर 16 निकलेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये जो टॉपिक था आपका एडिशन ऑफ 3 वन डिजिट नंबर, ये हमारा पेज नंबर 143 में है। उसका नेक्स्ट पेज हम लोग का है पेज नंबर 144, उसमें क्या है, एडिशन ऑफ 3 2-डिजिट नंबर, मतलब कि अब 3 डिजिट को हम लोग को जोड़ना है 2-डिजिट नंबर के साथ, मतलब कि वंस और टेंस के साथ, 2 डिजिट मतलब वंस और टेंस। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, ये हमारा सिंपल फॉर्मेट में, इसमें हमारा इस प्रकार से कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसको हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। तो ऐड हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 + 5 = 8, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 + 1 = 5, 5 + 2 = 7, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 78। लेकिन अगर ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर हमारा इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा तो वापस से हम लोग वही मेथड अपनाएंगे, वंस को पहले हम लोग जोड़ेंगे, बाद में टेंस को जोड़ेंगे। तो वंस को हम लोग जोड़ते हैं, क्या है हमारा, 0 + 5 = 5, 5 + 3 = 8, तो हमारा वंस भी क्या आ गया, 8 आ गया। कोई भी कैरी हमारा यहाँ पे नहीं है क्योंकि रिजल्ट हमारा सिंगल डिजिट में है। उसके बाद 4 + 1 = 5, 5 + 2 = 7, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 78। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 78। ठीक इसी प्रकार से आपका पेज नंबर 144 में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ट्राई दिस करके आप लोग उसको बनाएंगे। जैसे कि इसमें हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग कैसे बनाना है। तो हम लोग पेज नंबर 144 का ट्राई दिस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 60 + 21 + 10, और उसके नीचे हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, टेंस और वंस लिखा हुआ है, उसका ये सारे बॉक्स हमारे डॉट पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बॉक्स जो है, इस बॉक्स में हम लोग क्या भरेंगे, क्या उसमें हम लोग 60 भरेंगे या 21 भरेंगे या फिर 10 भरेंगे, सोचिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 60 भरेंगे, तो 60 में हमारा टेंस पोजिशन पे क्या है, 6 है, वंस पे क्या है, 0 है, तो 0। उसके बाद दूसरा नंबर भरेंगे 2 1, फिर 1 और 0। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे 2 ऐड, मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इन 2 डिजिट को ऐड करेंगे और इसका जो सम आएगा उसके साथ हम लोग इस लास्ट वाले डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे। तो 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 में 0 पर जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद 6 + 2 क्या हो गया हमारा, 8 + 1 क्या आएगा हमारा, 9। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9। इसी प्रकार से ट्राई दिस का सारा क्वेश्चन
सॉल्व होगा, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 145 पे हम लोग बढ़ते हैं। तो 145 में हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है, अ बेकर मेड 11 केक्स। मतलब एक बेकर जो है वह कितना केक बनाता है, 11 केक बनाता है। हिज वाइफ मेड अनदर 18 केक, और उसकी पत्नी जो है वह 18 केक और बना देती है। हाउ मेनी केक्स आर देयर इन ऑल नाउ, तो हम लोग को बताना है कि पूरा केक अब कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर कितना है, 145 पे है। तो यहाँ पे हमारा इस प्रकार से बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में दो छोटे छोटे बॉक्स है, उसके बाद एक एडिशन का सिंबल है, उसके बाद नीचे दो और बॉक्स है, जिसे हम लोग क्या लिखना है, रिजल्ट। तो सबसे पहले बेकर कितना केक बनाता है, 11 बनाता है। 11 में टेंस पोजिशन पे क्या है, 1, वंस पोजिशन पे भी क्या है, 1। उसके बाद उसकी वाइफ 18 केक बनाती है, तो टेंस पे हमारा क्या है, 1, और वंस पे हमारा क्या है, 8। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो लास्ट में जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एक लाइन पे, देयर आर डैश केक इन ऑल नाउ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 29 को लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसका रिजल्ट किए थे, और यहाँ पे जो भी हमारा फाइनल आंसर आता है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से सेकंड नंबर को भी हम लोग बनाएंगे। सेकंड में हमारा क्या है, प्रीति लव्स पपीज, सी फेड 1 विथ 5 केक्स एंड अनदर पपी विथ 4 चॉकलेट्स, द थर्ड पपी 8-9 केक्स, हाउ मेनी बिस्किट्स था, हाउ मेनी बिस्किट्स डिड सी फेड देम। तो सेकंड नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर हम लोग 9 लिखेंगे। सबको हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देंगे, क्या आएगा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, तो हमारा आंसर क्या होगा, 18। फिर यहाँ पे नीचे वाले लाइन पे, यहाँ पे जो नीचे लाइन दिया हुआ है इसमें हम लोग यहाँ पे जो नीचे वाला जो लाइन है इस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 18 लिख देंगे। सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स में हमारा क्या जाएगा, 5 जाएगा, सेकंड बॉक्स में 4, थर्ड बॉक्स में 9 जाएगा, क्योंकि सबसे पहले वाले कुत्ते को कितना वो बिस्किट खिलाए, 5, दूसरे को 4 और तीसरे को फिर 9 बिस्किट। ठीक इसी प्रकार से थर्ड नंबर है, उसका आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, ये क्वेश्चन भी आप लोग से बन जाएगा। इसके बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अब देखिए एक्सरसाइज 9, ये हमारा माइंड गेम है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, लेट अस मेक सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन, मतलब कि अब हम लोग को कुछ क्वेश्चन बनाना है जोड़ के आधार पे। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर पेरेंट, आप अपने टीचर या पेरेंट्स का मदद ले, पिक्चर्स एंड वर्ड्स आर गिवन एज क्लू, तो कुछ फोटो और कुछ वर्ड्स जो है वो आपको एक क्लू के तौर पे दिए गए। तो फर्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो क्लू में क्या है, येलो फ्लावर 32 है, व्हाइट फ्लावर 14 है, रेड फ्लावर्स कितना हमारा 21 है, तो इन सारे फोटो को मद्देनजर रखते हुए हम लोग को क्वेश्चन को बनाना है और इसके बाद इसका आंसर लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत ज्यादा होता है, हर लोग अपने अपने साइड से क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनाए आप ये चीज का ध्यान रखें कि वह क्वेश्चन का लैंग्वेज भाषा काफी सरल हो और आपको समझने में उसको आसानी हो। तो मैंने बहुत कोशिश करके आप लोगों के लिए कोशिश किया कि कुछ इसमें लैंग्वेज कम हो और ये आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देर आर 32 येलो फ्लावर्स, मतलब कि देखिए कि कितना फ्लावर्स है, येलो 32 फ्लावर्स है, 14 व्हाइट फ्लावर्स, 21 रेड फ्लावर्स है यहाँ पे। तो उसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल नाउ, देयर आर ऑल नाउ। ठीक है, तो यह हम लोग एक क्वेश्चन बना है और इसी के तहत हम लोग यहाँ पे आंसर लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 32, फिर 14, फिर 21, फिर हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 इक्वल टू गया 6, 67। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, आप लोग उसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा यही रहेगा, बस 32 येलो फ्लावर्स को हटा के हम लोग यहाँ पे 24 रेड एप्पल्स कर देंगे, फिर 12
ग्रीन एप्पल्स कर देंगे, फिर 20 येलो एप्पल्स कर देंगे, फिर हम लोग इसी प्रकार से जोड़ दिया। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर, मतलब कि दो डिजिट नंबर्स को हम लोग को घटाना है। तो घटाने का तरीका हम लोग को पता है, टेंस को टेंस के साथ, वंस को वंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारा दो डिजिट का आ जाता है। वन डिजिट नंबर आता है तो हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होता, हम लोग को पता रहता है कि वो सारा जो संख्या वो हमारा वंस पे है। लेकिन टू डिजिट नंबर है तो ये हमारा वंस और टेंस दोनों पे है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने का हमारा मेथड ये होता है, और इस मेथड को आपको जानना बहुत जरूरी है कि सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या जो होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसे छोटी संख्या को हम लोग नीचे रखेंगे। अगर हम लोग छोटी संख्या को ऊपर और बड़ी संख्या को हम लोग नीचे रख देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने में हम लोग को काफी परेशानी होगी और वह हमारा सब्ट्रैक्शन पूरा नहीं होगा, वह हमारा पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को ऊपर, फिर सबसे छोटी संख्या को नीचे रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट 42 फ्रॉम 86, मतलब कि अब घटाना है 86 में 42 को, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं 42 को ऊपर में रखेंगे 86 को नीचे रखेंगे तो ये हमारा घट, इसमें हम लोग इसको घटा नहीं सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 86 को लिख देंगे क्योंकि हमारा बड़ा है किससे, 42 से। इसके नीचे हम लोग 42 लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट कहा जा रहा है इसलिए माइनस का सिंबल होगा। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा वंस पोजिशन है, ये हमारा कौन सा पोजिशन है, टेंस पोजिशन है, इसलिए हम लोग ओ और टी लिख दिए। अब इसको हम घटाते हैं, 6 - 2 हमारा क्या आ जाएगा 4, 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 8 में से 4 को घटाएंगे तो भी हमारा क्या आएगा 4 आएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 42। उसके बाद इसमें ट्राई दिस दिया हुआ है, ठीक है, तो ट्राई दिस को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका यह सारा चीज सॉल्व होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सब्ट्रैक्शन एप्स। इसका जो फर्स्ट नंबर है हमारा, इसका हमारा फर्स्ट नंबर, तो ये हमारा कौन सा पेज नंबर है, ये हमारा पेज नंबर 148 है, ठीक है, पेज नंबर 148 का यहां से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा जा रहा है साहिब हैड 75 कैंडी चॉकलेट, यहां पे कैंडी है इसको हम लोग कैंडी चॉकलेट्स या चॉकलेट्स भी बोल सकते हैं, मतलब साहिब के पास कितना चॉकलेट है, 75 चॉकलेट है, 75 चॉकलेट्स है। He gave away 60 चॉकलेट्स ऑन his बर्थडे टू his फ्रेंड, और साहिब क्या करता है कि उस 75 चॉकलेट में से 60 चॉकलेट अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर दे देता है। हाउ मेनी चॉकलेट्स आर लेफ्ट, तो अब कितना चॉकलेट उसके पास बच रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली संख्या वो हमारा क्या है 75 है, तो 75 को लिख दिए। उसके बाद कितना चॉकलेट दिया 60, 75 से 60 कम है, इसको हम लोग को घटा देंगे 5 - 0 5, 7 - 6 1 15। उसके बाद यहाँ पे हमारा आंसर में दिया हुआ है ही इज लेफ्ट विथ डैश, यहाँ पे हमारा चॉकलेट का फिगर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे 15 भरेंगे, क्योंकि आंसर हमारा क्या है 15 चॉकलेट। उसके पास अब कितना चॉकलेट बचा 15 चॉकलेट बचा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड नंबर को बनाएंगे। उसके बाद इसमें ट्राई दिस में क्वेश्चन है, अ क्लास 1A स्टूडेंट्स प्लांटेड 45 ट्रीज एंड क्लास 1B स्टूडेंट आल्सो प्लांटेड 45 ट्रीज, विच क्लास प्लांटेड मोर, मतलब कि क्लास 1A का जो विद्यार्थी है वह कितना पौधा लगाया, 45 पौधा को लगा दिया, और क्लास 1B का जो भी बच्चे हैं वह कितने पौधा लगाए, 45 पौधा लगाए। तो अब ये पूछा जा रहा है कि कौन सा क्लास जो है सबसे ज्यादा पौधा को लगाता है, तो ये हमारा किसका क्वेश्चन है, ये हमारा ट्राई दिस का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा दो बॉक्स बना हुआ है, सबसे पहले बॉक्स में हम लोग क्या लिखेंगे 45, दूसरे बॉक्स में भी हम लोग 45 लिखेंगे, क्योंकि यह 45 कौन लगाया, ये 45 जो है वो हमारा क्लास 1A के स्टूडेंट से लगा है, और ये 45 क्लास 1B के स्टूडेंट जो है यहाँ पे पौधे लगाए। दोनों का नंबर क्या है सेम है, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, क्लियर, आंसर में लिखेंगे नो वन क्लास प्लांटेड मोर ट्रीज,
इसके बाद अब हमारा एक्सरसाइज 9C है, हम लोग 9C देखते हैं। तो अब हमारा एक्सरसाइज 9C है, तो देखिए 9C जो है यह बिल्कुल हमारा एक्सरसाइज 9B की तरह बनेगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को फोटो को देखना है, फोटो से क्वेश्चन को बनाना है और उसके बाद उसको आंसर बनाना है। तो बुक आपके पास है, बुक में देखिए कि एक पेड़ है, क्या चीज का पेड़ है, मैंगो का पेड़, आम का पेड़ है, उसमें फल कुछ लगते हुए, तो उस फल की संख्या क्या है, 42 है, और उसके नीचे एक टोकरी रखा हुआ है, टोकरी में कुछ मैंगोस है, तो उसकी संख्या क्या है, 20 है। तो अब यहां से हम लोग को क्वेश्चन बनाना है और उसका आंसर बनाना है। इसका हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए इन अ ट्री, ये आप लोग को लिखना है, इन अ ट्री देर आर 42 मैंगोस, मतलब कि एक पेड़ में कितना मैंगोस है, 42 मैंगोस है, 20 मैंगोस वेयर प्लक्ड बाय अ मैन, जिसमें कि 20 आम जो है वह किसी एक इंसान के द्वारा तोड़ लिए जाते हैं, हाउ मेनी मैंगोस आर देयर लेफ्ट। तो अब बताना है कि कितना आम जो है वहां पे हमारा बचेगा। ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया, अब इसका हम लोग को आंसर बनाना है। देखिए हम लोग को पता है कि सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है उसको लिखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, 42 है, तो 4 और 2, उसके बाद उससे छोटी संख्या 2 और 0, माइनस का साइन हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, या फिर अगर नहीं रहता तो जब यहाँ पे हमारा लेफ्ट का ऑप्शन आ जाता है, जब क्वेश्चन में लेफ्ट आ जाता है, वहां से हम लोग को पता कर लेना है कि यह इस प्रश्न में हम लोग को घटाना है। तो 2 - 0 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, 4 - 2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या निकल जाएगा, 22। अब इसको हम लोग को वर्ड में लिखना है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देयर आर 22 मैंगोस आर लेफ्ट। इस प्रकार से यह हमारा एक्सरसाइज 9C का फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन भी बनेगा। और बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर 9 भी समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को आप लोग समझे होंगे, अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को 2 बार देखिए और खुद से बनाने का प्रयास करेंगे।